मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब के किसी शहर में हज के बाद सैर तफरी करने जा रहा हूँ, क्या वापसी में उमरा करना वाजिब है? अगर आप, मैंने बार बार कहा है कि सिर्फ हनफी मजहब में यह है कि अगर कोई शख्स निकल रहा है उस पर आप लोग अमल नहीं करते, क्योंकि बड़ी परेशानी उसमें है। अगर कोई शख्स अपनी जरूरत की लकड़ी काटने के लिए, ढूंढने के लिए हुदूद हरम से बाहर, यहाँ की लकड़ी ले सकते हैं आप, लेकिन वहां की लकड़ी आप काट रहे हैं जो खुद रो है, यहाँ अगर बैठाए हुए दरख्त उसको काट सकते हैं, लेकिन वहां अगर कोई निकल रहा है हुदूद हरम से बाहर लकड़ी जमा करने के लिए या अपने जानवरों के लिए घास जमा करने के लिए, तो बगैर एहराम के दाखिल ना हो, लकड़ी पटक कर घर पर, घास पटक करके घर पर आ करके उमरा करे, फिर जा करके हलक करे और फिर जा करके अपना काम करे। ये हनफी मजहब में है, आप देख लीजिए सही किताबों में उनके यही है। लेकिन चूंकि इसमें परेशानी है, इसके खिलाफ लड़ाई नहीं करते हैं लोगों से, लेकिन बाज चीजें ऐसी जो सुन्नत रसूल से साबित है, उनके अमल पर जंग कर रहे हैं आपसे। तो होना ये चाहिए कि हमारे उलमा हनफिया, हनफी नहीं है, मैं तो इस वक्त उनको हनफी नहीं कहता हूँ, क्योंकि तमाम चीजों में इमाम अबू हनीफा के मुखालिफ है रहमतुल्लाह अलैह। इमाम अबू हनीफा खालिस आमिल बिल हदीस आमिल बिल सुन्नत है। उन्होंने कहा हम कोई बात कह जाए अगर मेरी बात या रसूल के खिलाफ हो तो छोड़ दो। उनका अकीदा अगर कोई शख्स कहता है कि अल्लाह अर्श पे नहीं तो काफिर है, और आप कहें मौलाना खलील साहब अपनी किताब अल मुहन्नद अल मुफन्नद में लिखते हैं कि हम अशरी अकीदे के आमिल और हामिल है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि लोग देवबंदी तो हो सकते हैं, हनफी नहीं है, तो उनसे गुजारिश है कि अपने अकीदे पर, अपने सलूक व तज़किया पर, नक्शबंदी चिश्ती कादरी सरवर्दी बिदअतों को छोड़ करके सुन्नत पर, सुन्नत के तरीके को ले करके बैत का जो बिदाती तरीका है, बैत और बिदात दोनों एक हैं, तो वो सब छोड़ करके खालिस सुन्नत पर अमल करें। कौम का बहुत कुछ पैसा खर्च करके और फिक्र हनफी पर जोर दिया जा रहा है, उसी को अगर हदीस रसूल के पढ़ाने में इंशाल्लाह खर्च किया जाए तो इंशाल्लाह क़यामत के दिन डायरेक्ट जन्नत में जाने का रास्ता बनेगा, वरना खतरा है यकीनन के पकड़े जाएंगे। कुछ गलतियां होंगी, अशरी अकीदे पर अमल एक गलती है जो 73 फिरकों में से एक फिरका बना देता है। कुल्लुहा फिन्नारी लवाहिदा, एक ही कामयाब होगी जो प्यारे रसूल के सुन्नत पर होगी। इन्होंने छोड़ दिया, हमें शर्म आनी चाहिए कि हम प्यारे रसूल के अकीदे को छोड़ कर हम कायम अशरी अकीदे पर 300 साल बाद आने वाले। तो कहने का मतलब है कि अगर आप जा रहे हैं कहीं उमरा कर नियत है आपकी उमरा करके आने की, तो हर्ज नहीं, लेकिन अगर बगैर उमरे के भी आ रहे हैं तो जायज है इंशाल्लाह, सही सही रिवायत में।